Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. Hello students, आज के वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे. तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर होता है फोर सेक्शन में आता है एंड इसका पेपर 29 मार्क्स का होता है. तो फर्स्ट सेक्शन में क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट फर्स्ट आती है. सेकेंड सेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. थर्ड सेक्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट वन जिसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है. एंड फोर्थ सेक्शन में स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट टू जिसके अंदर वाइब्रेशनल एंड रमन स्पेक्ट्रम होता है. तो ये फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है. तो सबसे पहले तो कंपल्सरी सेक्शन देख लो. कंपल्सरी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आते हैं, 1-1 मार्क्स के होते हैं. ये सेकेंड पेपर का कंपल्सरी सेक्शन है. ज्यादातर इसके अंदर डेफिनेशन से पूछी जाती है. नेक्स्ट वन थर्ड क्वेश्चन पेपर का कंपल्सरी सेक्शन है. अब हम सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं विद आंसर. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स आपको लिखने हैं. ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है. इसके अलावा आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में आता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कॉम्पटेंट इफेक्ट 3 मार्क्स में पूछा जाता है एंड एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला भी 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है. तो कॉम्पटेंट इफेक्ट में आपको डायग्राम भी बनाना है एंड दोनों इफेक्ट्स को पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन ऑपरेटर एंड डिस्कस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स. इसके अलावा सेकेंड पार्ट में पूछा गया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, हाउ दैट वीन एंड रेलिक जीन लॉ इज स्पेशल केस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स में पूछा जाएगा. इसके अलावा आपको प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी करना है. इसके अंदर आपको डायग्राम भी बनाना है, डेफिनेशंस भी करनी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है. 3 मार्क्स में आएगा. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है एक्सप्लेन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन एंड बी पार्ट में पूछा गया डिराइव एक्सप्रेशन फॉर आइगन वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकुलर हैविंग मास एम मूविंग इन द डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ ए. तो ये हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है एंड नीचे ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन दे रखा है. उसके बाद बी पार्ट का आंसर है. एक्सप्रेशन अच्छे से कर लेना और पूरे एक्सप्रेशन को स्टेप बाय स्टेप करना. एंड एक बार ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ को भी पढ़ लेना क्योंकि ये भी एक दो बार पूछा जाता है. तो अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ये नहीं होगा कि ये वाला क्वेश्चन हमारा छूट गया. पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना. देखो बी सेक्शन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन डाइपोल मोमेंट, डिस्कस इट यूज इन एलुसिडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एंड बी पार्ट में डाइपोल मोमेंट इसकी दे रखी है एंड यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना परसेंट आयनिक कैरेक्टर. तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इसमें से. इसके अलावा सेकेंड क्वेश्चन भी है डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, हाउ डाइपोल मोमेंट हेल्प इन डिसाइडिंग बिटवीन सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स. तो सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की एप्लीकेशंस है. उसके बाद जो डाइपोल मोमेंट क्या होती है, अगर ट्रांस होती है तो ट्रांस में जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है एंड सिस में डाइपोल मोमेंट हाई होती है.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे डिराइव क्लोजियस मोजोटे इक्वेशन 3 मार्क्स में आता है एंड जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए गॉयज मेथड है ये वाला इनऑर्गेनिक में भी इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप इनऑर्गेनिक में इसी क्वेश्चन को कर लेते हो तो ये वाला आपको फिजिकल में भी काम आ जाता है. तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन को पूरा का पूरा तैयार कर लेते हैं तो 2 जगह भी काम आ जाता है उसको. ये इसका डायग्राम भी बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टिविटी मेथड. एंड अलग पूछा गया भी पार्ट में डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ साथ इसका रिलेशन भी आपको लिखना है. तो ये डाइपोल मोमेंट डिटरमाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिविटी मेथड है. उसके बाद यहाँ पे रिलेशन दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में. उसके अलावा बी सेक्शन का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी और उसके बीच का रिलेशन. और इसका जो बी पार्ट है वो तो मैंने हमने पहले ही कर लिया कि सिस और ट्रांस को या फिर ऑर्थो पैरा को डिसाइड करने के लिए डाइपोल मोमेंट कैसे काम करती है. तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बीच में रिलेशन है. एंड बी पार्ट तो हमने पहले ही कर लिया. इसके बाद हम आते हैं सी सेक्शन में जिसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साउंड टू नोज रेशियो रिजोल्विंग पावर एंड सिलेक्शन रूल्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. तो ये तीनों हमारे 2-2 मार्क्स में पूछे गए हैं. रिजोल्विंग पावर का डायग्राम भी रखा है. एंड सिलेक्शन रूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंटेंसिटी एंड लाइट वेट तो स्पेक्ट्रा 3 मार्क्स में. उसके अलावा सेकंड पार्ट में यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखा है इन्होंने. तो बी सेक्शन में भी हमारा एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 मार्क्स में और उसके अलावा सी सेक्शन में भी एक न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जाता है 3 मार्क्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन में साउंड टू नॉइज रेशियो तो हमने पहले ही कर रखा है. इसके साथ साथ पूछा गया कि हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड बी पार्ट में एक्सप्रेशन पूछा गया एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम. तो इसमें पहले आपको प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में बताना है देन रोटेशनल एनर्जी के बारे में और उसके बाद सिलेक्शन रूल्स बताने हैं. सिलेक्शन रूल्स के बाद पोजिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स भी बतानी हैं. एंड इसके साथ साथ हमें एक्सप्रेशन भी लिखना है. सेवेंथ क्वेश्चन ये है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड बी पार्ट में डिस्कस रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल CO व्हेन C12 इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इट्स आइसोटोप C13. तो बी पार्ट में इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा. अब हम आ गए हैं डी सेक्शन में. डी सेक्शन में बोन ओपर हैमर एक्सोक्सीमेशन एंड रमन इफेक्ट दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 200% आने के इसके चांसेस हैं. 3-3 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन आएंगे और इसका डायग्राम भी अच्छे से कर लेना. एंड इसकी जो भी डेफिनेशन है ट्रांसलेशनल एनर्जी रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जितने भी हैं बिल्कुल अच्छे से कर लेना. रमन इफेक्ट भी आपको अच्छे से करना है. तो 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसके डायग्राम भी बनाने हैं. स्टोक लाइन कैसी होती है रेली क्या होता है एंटी स्टोक लाइन कैसी होती है सभी आपको अच्छे से बतानी है. डी सेक्शन का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आयर स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इसके बी पार्ट में पूछा गया है सेटअप ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये हमारा सेटअप है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का. डी सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हार्मोनिक एंड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स
एंड कंपेयर देयर पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स. उसके अलावा बी पार्ट में पूछा गया है रेलिंग एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करना है. तो ये इसके पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स हैं. उसके अलावा अगर एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है तो उसमें भी आपको यही वाला क्वेश्चन करना है. नीचे एक्सप्लेन कर रखा है रमन एंड रेलिंग स्कैटरिंग को. तो अगर एक्सप्लेन रमन इफेक्ट आता है तो उसमें भी आपको यही आंसर लिखना है. एंड एक्सप्लेन रेलिंग एंड रमन स्कैटरिंग आता है उसमें भी आपको यही वाला आंसर लिखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा. एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स प्रेजेंट इन वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल. एंड इसके बी पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन रमन इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल्स दे रखी हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के. ये इसका डायग्राम है. उसके अलावा ये मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन ऑन एक्साइटेशन दिखा रखा है. बी पार्ट में पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल जिसके बेस पे हमें रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है. इसके साथ साथ इन्होंने रेलिक स्कैटरिंग को भी एक्सप्लेन कर रखा है एंड स्टोक लाइंस एंड एंटी स्टोक लाइंस को भी एक्सप्लेन कर रखा है. लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स. ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है जिसमें हमने CO के लिए एक्सप्लेन करा था. इसका डायग्राम है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना. उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.